तो कैसे है आप? आज मैं आपको इस टाइप का मिनिमल बल्ब लोगो इलस्ट्रेटर में कैसे बनाना है वो सिखाने वाला हूँ। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने इलस्ट्रेटर प्रोग्राम चालू कर दिया है और यहाँ पे स्टॉक में मैंने ब्लैक कलर भी ले लिया है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं एक लिस्ट टूल लेता हूँ और 100x100 का एक सर्कल बनाता हूँ और इसका स्ट्रोक में अभी 1 पिक्सल ही रखता हूँ और अलाइन टू अडबो कर देता हूँ यहाँ से। अभी यही सर्कल को मैं 5 बार बड़ा करूंगा, मतलब 100 100, 200 300 400 500 का। दोस्तों तो मैंने 5 सर्कल बना लिए हैं 100 200 300 400 500 पिक्सल के, ठीक है। अभी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो ये बीच वाला सर्कल है उसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके एक कॉपी निकालना है और यहाँ से उसको थोड़ा मिनिमाइज करना है, तकरीबन इतना चलेगा। उसके बाद आपको ये दोनों सर्कल को सिलेक्ट करके फिर से ये जो बाहर वाला सर्कल है उसको सिलेक्ट करके अलाइन मेनू में जाना है, बाद में सेंटर अलाइन और बॉटम अलाइन कर देना है कुछ इस तरह। फिर आपको ये बाहर वाला सर्कल सिलेक्ट करना है कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, उसको थोड़ा बड़ा करना है यहाँ पे जो ये वाला सर्कल के साथ आपको टच कराना है, बाद में ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल को सिलेक्ट करके फिर से ये वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है और बाद में सर्कल और बॉटम, तो कुछ इस तरह हो जाएगा। आप कंट्रोल वाई करके भी देख सकते हो कि बराबर बैठा है कि नहीं सर्कल, यहाँ पे थोड़ा बैठा नहीं है तो मैं फिर से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो ये क्या हमारा सर्कल टच हो जाएगा। अभी कंट्रोल वाई करूँगा नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। अभी मैं क्या करूँगा, अभी सीजर टूल का यूज करूँगा। तो आप यहाँ से ये सीजर टूल मतलब सी कमांड से भी एक्टिव कर सकते हो। यहाँ पे मैं ब्रेक कर दूंगा, इसको ब्रेक कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों मैं कौन सा पार्ट ब्रेक कर रहा हूँ, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। बाद में जो ये वाला सर्कल है उसको यहाँ से मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आधा मतलब ब्रेक कर दूंगा, तो हमारा ये वाला पार्ट है उसको डिलीट कर दूंगा। बाद में जो ये वाला सर्कल बनाया था उसको भी आधा आधा डिवाइड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो ये वाला पार्ट है उसको डिलीट कर देंगे। बाद में जो बाहर वाला पार्ट है उसको भी हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे, एक पॉइंट यहाँ से, बाद में यहाँ से 45 डिग्री है कुछ इस तरह, और ये पार्ट डिलीट कर देंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों मैंने क्या किया, कौन सा पार्ट डिलीट किया है। अभी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके जो अभी देखो आपके सामने ये सब पार्ट अलग अलग है, ठीक है, कोई एक शेप में नहीं है, तो इसको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये 2 पॉइंट एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, एवरेज बोथ पॉइंट ओके, फिर से राइट क्लिक और जॉइन, ऐसा सब पॉइंट में कर दूंगा मैं, तो हमारा ये एक पाथ बन जाएगा। एवरेज राइट क्लिक करके जॉइन, तो आप देख सकते हो आप कोई क्लिक करोगे तो ये पूरा पाथ बन चुका है। अभी क्या करूंगा, अभी ये पाथ को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं उसकी तकरीबन 25 इतना स्ट्रोक दे दिया और उसकी प्रोफाइल आपको ये वाली सिलेक्ट करनी है कुछ इस तरह, कुछ जलेबी टाइप का आकार हो गया अभी दोस्तों। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी एक 25 25 का एक सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, इसको भी अलाइन टू अडबो कर देते हैं। फिर से मैं 25 इसका ही मैं डुप्लीकेट निकालता हूँ, अल्टर के साथ आप शिफ्ट दबाओगे तो ये कॉपी होगा और यहाँ पे टच करा दूंगा और इसको मैं फिल करा देता हूँ। बाद में यहाँ से आपको जो ये एंकर पॉइंट टूल है वो सिलेक्ट करना रहेगा और एक क्लिक करना रहेगा। बाद में आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो ये वाला पॉइंट है, थोड़ा जूम करके बताता हूँ मैं आपको, ये वाले पॉइंट को आपको शिफ्ट के साथ डाउन करना है, ये वाले सर्कल के साथ टच कराना है। बाद में जो ये राउंड है उसको थोड़ा हम रेडियस कर देंगे यहाँ से और फिर से इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ओके इतना अच्छा रहेगा। अभी क्या करते हैं, अभी इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आपको जो रोटेट टूल है मतलब आर की, उसको प्रेस कीजिएगा तो एक्टिव हो जाएगा। बाद में ये वाला सेंटर है, आपको अल्टर के साथ यहाँ सेंटर पे क्लिक करना रहेगा तो आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पे आपको डिग्री और पीयू आप चेक मार्क करोगे तो आपको प्रीव्यू दिखाएगा। अब मैं 40 डिग्री पे
कॉपी चाहिए तो कॉपी कर लेंगे, तो ये कॉपी हो जाएगा। अभी दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल डी दबाना है तो आपके सामने पूरा कॉपी होता रहेगा, जितना कॉपी चाहिए उतना। अभी मैं जो ये दो है उसको डिलीट कर देता हूँ। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक लाइन टूल लेना होगा और यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ एक पिक्सल का, और उसको यहाँ से मैं रोटेट कर देता हूँ कुछ 70 डिग्री पे, और इसको थोड़ा यहाँ पे जो ये सेंटर है वहाँ पे रखता हूँ, और इसकी मैं राइट क्लिक कर ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट और वर्टिकल रिफ्लेक्ट करके कॉपी कर लूँगा, और इसको भी मैं यहाँ पे सेंटर में ले लूँगा कुछ इस तरह। ये आपका स्मार्ट गाइड ऑन होगा तो आपको दिखाएगा। अभी मैं इसको दो पिक्सल इधर और इसको दो पिक्सल इधर करता हूँ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी जो ये तीनों तीन हमारा सर्कल है उसको हम ब्रेक करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेके इसको सिलेक्ट करना है। बाद में आप की प्रेस सी कीजिए तो आपका सीजर टूल एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से हम ब्रेक कर देंगे। फिर से मैं ये वाला सर्कल सिक करूँगा, उसको सीजर टूल से ब्रेक कर दूँगा। फिर से ये वाला लास्ट वाला सर्कल सिलेक्ट करूँगा और उसको भी ब्रेक कर दूँगा यहाँ से। तो कुछ इस तरह का हमारा पार्ट ब्रेक हो गया। अब ये तीनों तीन सर्कल को डिलीट कर दूँगा और ये दो लाइन को भी। तो कुछ इस तरह का शेप अभी तक हमारा रेडी है और इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा। अभी ये जो तीनों तीन स्ट्रोक है उसको मैं यहाँ से तकरीबन 20 पिक्सल और राउंड केप दिया है। अगर आप चाहते हो तो इसको थोड़ा कम भी कर सकते हो, मतलब 16 पिक्सल और 12 पिक्सल, और इसको थोड़ा तीनों तीन को डाउन भी कर सकते हो कुछ इस तरह। इतना हो जाने के बाद दोस्तों अभी सबको हम एक्सपांड कर देते हैं, जितने स्ट्रोक है उसको। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपांड अपीयरेंस, इसको भी हम ऑब्जेक्ट में एक्सपांड कर देंगे। अभी हम कलर देंगे तो इसको हम ये येलो कलर देंगे। आपको कलर कोड बता देता हूँ यहाँ से FFC403। सेम ये वाले, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कलर पिकलर टूल से। बाद में जो बाकी बचा है उसको हम रेड कलर देंगे यहाँ से कुछ ये वाला कलर, और इसका कलर कोड आपको EF5524 है। तो आपका बल्ब का एक मिनिमल लोगो रेडी हो गया यहाँ पे दोस्तों। इसको ग्रुप कर लेता हूँ और थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ, अलाइन टू आर्ट बो कर देता हूँ। अभी हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे ब्लैक कलर कुछ इस टाइप का और ब्राइट, और इसका मैं फॉन्ट दे दिया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप कोकोगुस अलाइन टू आर्टबोर्ड, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं कुछ इस टाइप का। इसकी एक और कॉपी निकलता हूँ दोस्तों, और इसकी ये हम टैग लाइन लिखेंगे यहाँ पे आइडिया सेंटर टू, हम उसको अलाइन कर देंगे, और इसकी फॉन्ट साइज है वो भी हम थोड़ी कम करेंगे। तो कुछ इस तरह हमारा ब्राइट लोगो रेडी है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।